जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर NH-75 पर अवस्थित एक छोटा सा जगह है बनगांव, जहां अब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। इंटरनेट ने आधुनिक युग में मानव क्रांति ही ला दिया। आज हम अपने कई जरूरतों को इंटरनेट के माध्यम से क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। लेकिन झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत बनगांव प्रखंड के नेट यूजरों को इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ सही सही नहीं मिल पा रहा है। इंटरनेट के नाम पर केवल पैसा की बर्बादी हो रही है। नेट हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति को खाने की, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि एक भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह आज के आधुनिक युग में नेट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है, खासकर जब लोगों को फॉर्म भरने या एजुकेशन से संबंधित या किसी भी अन्य विषय को लेकर सर्च करने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कर पाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कभी फेसबुक चैटिंग करते हैं, डाउनलोडिंग, लाइव टीवी वगैरह देखते हैं। यहाँ का नेटवर्क बहुत स्लो चलता है और जिसके वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, नेट जल्दी खुल नहीं पाता है। ब्रॉडबैंड की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्पीड कुछ खास नहीं रहती हमारे यहाँ। हम सिम का प्रयोग करते हैं नेट यूज करने के लिए। जो जैसे कि वोडाफोन हुआ, BSNL हुआ, ये सारे जितने भी नेटवर्क हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक और जहाँ तक लोग इनका कहना है कि हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जाता है कि हम बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये क्या सेवा है जो मैं एक सर्च करने के लिए, मुझे एक सर्च करने के लिए कम से कम आधा घंटा टू एक घंटा लगता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा इस तरह से कि कोई भी नेट यदि स्लो या सर्वर डाउन होता है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मेरे विचार से ये सारी प्रॉब्लम्स को नेटवर्किंग को सॉल्व करना चाहिए। सभी कंपनियों से मेरा आग्रह है कि आप अपने सेवा को बेहतर करें, गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि यूजर्स के केवल पैसा बर्बाद ना हो बल्कि उनको बेहतर सेवा मिल सके। मैं JV हंसा बनगांव पश्चिम सिंहभूम झारखंड से इंडियन हट के लिए।